आज हमारा पहला सवाल राहुल गांधी सोनिया गांधी से है कि इस कोर्ट के फैसले पर जवाब दीजिए। आप देश को यह बताइए कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो सरकारी जमीन पर खड़ी है उसको आपने अपने परिवार के अंदर कैसे ट्रांसफर कर लिया एक दिखावे ट्रस्ट के नाम पर। यह तो नया बिजनेस मॉडल है देश में कि एक समय दमाशी कुछ पैसे देते हैं और सैकड़ों करोड़ की जमीन मिल जाती है, और दूसरा मॉडल देखते हैं कि सोनिया जी राहुल जी 50 लाख देते हैं और 1,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। तो ये जो नया बिजनेस मॉडल है स्कैम का, देश इसका जवाब जानना चाहता है। और तीसरी बात हमें कहनी है कि इसके संबंध में क्रिमिनल केस भी चल रहा है, आपको याद होगा, उसको क्वाश कराने के लिए दे हैड गॉन टू कोर्ट एंड द कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरवीन, आपको पता होगा। तो आज जब उनके इस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पर भी कोर्ट ने गंभीर आपत्ति की है तो हम चाहेंगे कृपया करके राहुल गांधी इसका उत्तर दें, आपकी खामोशी से काम नहीं चलेगा। बीजेपी इस पूरे ट्रांजैक्शन की बहुत भर्त्सना करती है। मैंने कल एक बात कही थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में सरकारी संपत्ति के लूट की अनुमति नहीं दी जाएगी, और आज कोर्ट के निर्णय से साफ स्पष्ट है कि किस तरह से सारे नियमों की धता बताकर सरकारी जमीन की लूट की गई।